बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि फ्लाई ऐश, स्लैग और डेमोलिशन का वेस्ट, ये तीनों हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है कि इनको डिस्पोज क्या, कि इनको करें क्या। तो नाउ वी हैव मेड स्टैंडर्ड कि फ्लाई ऐश, स्लैग और जो भी हम डेमोलिशन से वेस्ट होता है उसको हम मीनिंगफुली ब्रिक्स बनाने में यूज कर सकते हैं, ब्रिक्स में, ब्लॉक्स में, कंक्रीट मेकिंग में, कंक्रीट मेकिंग में। अदरवाइज हर साल 200 मिलियन टन फ्लाई ऐश जनरेट होती है, उसकी डिस्पोजेबल डिस्पोजल इज अ बिग प्रॉब्लम। कितना जनरेट होता है? अराउंड 200 मिलियन टन पर एनम। जितने हमारे थर्मल पावर प्लांट है उनसे फ्लाई ऐश होता है और उसको डिस्पोज करना बहुत बड़ी समस्या है, रखे काम उनको। तो नाउ वी आर सेइंग कि ये सारा फ्लाई ऐश आप यूज कर सकते हैं ब्रेक कंक्रीट ब्लॉक्स बनाने में। और वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने प्रोग्रामेटिक गाइडलाइंस में अब जो हमारे ट्रेडिशनल ब्रिक्स वगैरह यूज होते थे कॉन्क्रीट, उसको न यूज करके इनको यूज करें। तो दिस इज वन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मेनली ब्रिक्स कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, हम फ्लाई ऐश, स्लैग और वेस्ट को यूज करते हैं। तो दूसरा मेरी डेटा ये जो आपने बनाया है, तो अब एनटीपीसी ने इस पे हमें बीआई सर्टिफिकेशन आईएसआई मार्क लेना शुरू कर दिया है और उनके जितने भी प्लांट है हर जगह उन्होंने अप्लाई किया है। तो आईएसआई मार्क ब्रिक जो है, फ्लाई ऐश सीमेंट ब्रिक है, वो भी आपको आज उपलब्ध है। तो उसमें फ्लाई ऐश का होता है से प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा जो है हमारे पास स्लैग है, जो ब्लास्ट फर्नेस जब स्टील बनता है तो बहुत सारा जो है धातु मल निकलता है। बेसिक इंफॉर्मेशन नीड्स है एंड हेल्प इफ यू गो टू स्कूल यू टीच काइंड, तो ये तो सब सबको पता है, हम कुछ हम नया होता है और पर्पस ये कि इसको और बढ़ाया जाए। थैंक यू। कॉस्ट क्या है सर? हाउ आर कॉस्ट वाइज? कॉस्ट कंपेयरेबल है, कॉस्ट कंपेयरेबल। नेक्स्ट रिक्वेस्ट किया है कि अब इनके यूज को आप मैंडेटरी करें ताकि अनावश्यक जो वाटर वॉश में या और कई जहां भी देखें आप वॉश बेसिन में जो बर्बाद होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक्स अंडर वेरिएंट कंडीशन टू एड्रेस द एस्पेक्ट्स लाइक बायोडिग्रेडेशन, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिजल्टिंग बायोमास ऑन टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रोथ organism and negative effect of quality of resulting biomass including the presence of high level of regulated heavy metals. Then we have IS 14534 plastics guideline for recovery and recycling of plastic waste. It provides guidelines for selection, segregation and processing of plastic waste and scrap. It established the different options for the recovery of plastic waste. और again उससे water resistance बढ़ जाती है, तो ये standard basically यही बताता है कि आप रिसाइकल प्लास्टिक्स को किस तरह के प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन प्लास्टिक की कंपोस्टिंग पॉसिबल है। वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन लिटिल वी हैव अ आईएस 1701 सीरीज ऑन ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट मेथड फॉर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। The series comprises of 10 parts defining the charging mode, communication protocols, electrical safety, performance test for EV charging system. The standard aims to provide uniformity and compatibility of EV charging infrastructure across the globe. It ensures that EV charging systems are safe, reliable and interoperable with various vehicle and charging network providers. This series of standards are continuously evolving to keep up with the advancement in the EV industry and to support the adoption of sustainable transportation. Then there is a new area of battery separate system. We have IS 17896 series on that. It gives a general overview. Swap station में डालेंगे और swap station से एक battery निकालकर हम उसको गाड़ी में डालेंगे. Swapping of the batteries. So यहाँ पर तो swap station को जो follow करना चाहिए. If it big batteries, तो it has to be automatic. मतलब automatic उसमें robot जो है, they will remove the battery and it will put it in the station. Then from the station, the robot will put it there. There should be no manual touch. मैंने ये क्लैरिफाई किया है कि वो बैटरी स्वैपिंग का स्टैंडर्ड अभी नहीं है, नहीं है, स्वैपिंग स्टेशन के स्टेशन तो ये कहीं यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है अभी नहीं सर, अभी एक्चुअली रिसेंटली पब्लिश्ड हुए हैं, अभी फिलहाल तो ये कहीं पे भी अभी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर वो आप पे भाई आपके हिस्ट्री उसकी जी आगे सर। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमारे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये स्टैंडर्ड्स बनाए हैं IS 17855 फॉर इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड रोड व्हीकल
test specification for lithium ion traction battery packs and system performance testing. Then we have IS 17018073. Sabhi se related standard ban gaya hai. Aage chalte hain. फिर रिसेंटली जो हमने ग्रीन स्टैंडर्ड्स पे काम किया है वो है विंड टर्बाइंस. सो विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वी ऑल नो एंड दीस विंड टर्बाइंस डू नॉट रिलीज एमिशंस दैट कैन पोल्यूट द एयर और वाटर एंड दे डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर कूलिंग. सो ये वाटर एनर्जी एफिशिएंसी फॉसिल फ्यूल प्लस वाटर रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसमें. तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है जो 61400 पार्ट 2 दैट इज फॉर स्मॉल विंड टर्बाइन. Then 61400 part 12 11 that is for performance requirement for wind energy generation system. And 61400 part 24 wind turbine for its lightning protection. 7600 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है तो हमारे पास लैंड भी यूज कम होगा और वहां पे हम ज्यादा अच्छे से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि अगर हम लैंड पे लगाते हैं तो विंड टर्बाइन का साइज बड़ा नहीं कर पाते जो कि लैंड पे 2 से 3 मेगावाट का रहता है. वही अगर हम ऑफशोर विंड टर्बाइन लगाते हैं तो 8 से 14 मेगावाट पर टर्बाइन रहता है. वहां क्लियरेंस मिलता है तो हम ज्यादा एनर्जी जनरेट रखना तो बंद कर दिया तो जितना बायोमास चाहिए वो मिलते ही नहीं है उसको चलाने के लिए. तो देन देयर वाज अ डिमांड की कम्युनिटी बेस्ड प्लांट के लिए बना. तो ये स्टैंडर्ड अभी इसी साल पब्लिश हुआ है टू मीट दैट. सो नाउ ऑफ कोर्स वी आर रिक्वेस्टिंग मिनिस्ट्री की इसको आप पॉपुलराइज करें. पॉल्यूशन के वाटर इफिशियंट तरीके हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर उस पे स्टैंडर्ड बन गए हैं और अच्छी बात यह है कि ये काफी पॉपुलर भी हो रहा है. स्टेट गवर्नमेंट्स में इसको प्रमोट कर रही हैं, प्रोग्राम्स भी हैं और लाइसेंसेस भी काफी हैं ट्रिक और माइक्रोमेट और ऑर्गेनिक वाले जरा एक्सप्लेन करें. न्यूट्रिएंट्स हैं जो कमिटेड होते हैं जो इसमें अलाउड है और इसमें एक ये दिया हुआ है कि क्या कमिटेड है क्या कमिटेड नहीं है. We are buying them primarily thinking that we are not too much bachane. हमारी CPC से जो last discussion हुई थी, हम लोगों ने CPCPP और नीति आयोग भी हम लोग भी have been constantly interacting and MOEF से भी. Problem ये है कि सब लोग claim कर देते हैं कि ये biodegradability का ये जो भी product है biodegradable है. और चूंकि BIS DG को DG इन्वेस्टिगेशन उसमें डिक्लेयर किया है तो वी सबमिट रिपोर्ट टू डोका और दे टेक एक्शन. जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंप्लेंट ओनली स्टडी आई सॉ बायजूस के अगेंस्ट में किसी ने दी कि उसने अपने एडवर्टीजमेंट्स में क्लेम कर रहा है कि 300 और समथिंग स्टूडेंट्स हु गॉट इनटू सिविल सर्विसेज पास्ड आउट फ्रॉम और सम हायर मकोची. उसने कहा ये डेटा गलत. तो उस तरह की कंप्लेंट्स अभी इन्वेस्टिगेट होते हैं कि आई डोंट रिकॉल इफ वेरी कंप्लेंट हैज बीन मेड टू अस. इसको देखते हैं कैडबरी का कोई कंप्लेंट. जस्ट शी इज ट्राइंग टू क्लियर. सर ये इशू आया था ये एक्चुअली बिकॉज़ एफएसएसएआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी बट उन्होंने फिर ही हैज टेकन दैट वीडियो बैक. He has apologized and he has taken it back. This is social media. Cadbury had filed a legal case against that social influencer. But this case will has to be dealt by the regulatory body. It didn't come to us. So you have this information. Yes, yes, it has come back. They have settled it between. Sir, that's कि जितने भी government schemes और programs हैं, लगभग 84 government के programs और schemes हमने identify किए. और उनके अगेंस्ट में इन स्टैंडर्ड्स को मैप कर रहे हैं. वो काम अभी चल रहा है. एक बार वो कंप्लीट हो जाता है तो हम एग्जैक्ट वो नंबर बताने के पोजीशन में होंगे. और उसका एक पर्पस ये है कि एक तो हम ये कर रहे हैं कि कौन से बन गए और कौन से अंडर डेवलपमेंट हैं और कौन कौन से बनने चाहिए. जो बनने चाहिए वो लिस्ट हम कंसर्न मिनिस्ट्रीज को शेयर कर रहे हैं. आप भी उसको देख लीजिए और इफ यू हैव एनी सजेशंस आप बताएं तो फिर हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे. तो थोड़ा सा वो वेट करेंगे ना.